आइए सीखते हैं इस प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं, इनको हमें पी बटा क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इसके लिए देखो, पहला यहाँ पे है 0.15, अब पी बटा क्यूब के रूप में लाना है तो इसको यहाँ लिख रहे हैं 0.15। और अब इसमें देखेंगे जो दशमलव है वो पीछे से दो अंक बाद लगा है, तो इसमें ऊपर 100 से गुणा कराएंगे और नीचे भी 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। अब ये 100 से जब गुणा होगा तो ये दशमलव दो अंक पीछे आ जाएगा, यानी ऊपर बन जाएगा 15 और नीचे है 100, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाय 15 और 5 दुना 10 यानी 3/20 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखा जाए 0.675 है, अब इसमें देखो तो पॉइंट जो है 3 डिजिट बाद लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 0.675 इंटू में, अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना अंक बाद दशमलव लगा होगा उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड भी होगा, ठीक है। और जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव पीछे चलाएगा, तीन अंक आएगा इस बार, तो ऊपर बन जाएगा 675 और नीचे है 1000, ठीक है। और अब इसको अगर 5 से काटा जाए तो ये बनेगा 5 × 5 और 5 × 15 और 5×25 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। और इसके बाद अभी भी कट रहा है ये 5 से, तो 5 × 10 3 बचेगा, 5 × 7 = 35 और 5 × 20 यानी 27/40 आ जाएगा इसका आंसर। और ऐसे ही तीसरा वाला देखो, यहाँ पे 0.00026, अब देखो ये दशमलव जो है इसमें 5 अंक बाद लगा हुआ है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए इस प्रकार से हमें एक के बाद 5 जीरो से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और डिवाइड भी इसी से कराएंगे, ठीक है। अब ये 5 जीरो क्या करेगा, इस दशमलव को पीछे ले आएगा और ऊपर बन जाएगा केवल 26 और नीचे यहाँ पे है 1 और उसके बाद 50, ठीक है। और अब इसको 2 से कैंसिल किया जा सकता है, तो 2 से 13 टाइम ऊपर और 2 × 5 = 10, ठीक है, और उसके बाद 4 जीरो लग जाएगा, तो इसका जो आंसर है 13/50,000। इसी प्रकार से एक प्रश्न दे रहे हैं जो कि है 0.750, इसका पी बटा क्यू रूप क्या होगा ये आप बताइए।